ये मेरी बहन है ज्योति, शादीशुदा है और शायद ये बच्चा है। ये लड़का इसको फंसा के क्या क्या कान में बोल के जो भी अफेयर है इसका सब कुछ किया इसने, और ये झगड़ा करवा के दोनों मियां बीवी के मतलब दोनों मियां बीवी के साथ में एक दिन पहले बैग दे के लड़के को गोल्ड पैसा सब कुछ दे के एक दिन पहले बुलाया इस लड़के को, उसका घर पे बुला के सब कुछ दे के एक दिन पहले फरार किया, फिर दूसरे दिन इनसे झगड़ा करके चली गई। और क्या हुआ मालूम है, ये लड़के को साथ में लेके गई है और अभी तक दोनों फरार है, और पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन की फिर भी पुलिस वाला ने कोई एक्शन नहीं लिया, और हमको उल्टा बोल रहे हैं वो मेजर है छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दो, हमें तो इंसाफ चाहिए ना, जब हम कंप्लेन किए तो इनको बुलाना चाहिए, हम दोनों को हाजिर करो, ऐसे कैसे हम छोड़ दें। पुलिस वाले अभी नहीं कर रहे, अभी तक चार दिन हो गए सर, कोई हाजिर नहीं, कोई नहीं, बंदी दोनों लापता है, हमें न्याय चाहिए डिपार्टमेंट से, कमिश्नर ऑफिस से, सबसे न्याय चाहिए। हाँ ये छोटा बच्चा है, इसका क्या कसूर है, इन दोनों की क्या गलती है, एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है, हम और हम हमारी माली समाज से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको न्याय दे और ऐसे लोगों को बाहर निकाले, समाज से बाहर निकाले, बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दो उसकी मर्जी से गई है, हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, हमारी बच्ची, हाँ ठीक है मर्जी से गए तो दोनों को बुलाओ इधर हमारे सामने, प्रूफ करो, वो बोलो हमारे सामने, लिखा पढ़ी कराओ, फिर हम छोड़ देंगे, मगर सामने बुलाओ, क्यों नहीं बुला रहे हमारे सामने। हाँ इन दोनों का क्या होगा, ये बच्चे का क्या कसूर है, इसका कौन जिम्मेदार है बोलो, वो जिम्मेदारी लेगा तो हमारे सामने लेके आओ उसको, बोलो कि जिम्मेदारी है मेरी, मैं रखूंगा बोल के। हाँ और उसका भाई क्या बोला, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, अगर मेरा भाई किया तो मैं लेके आऊंगा सामने, तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, हमारे पास सब प्रूफ है, लेके आओ सामने, अगर तुम पूरे वो हो ना तो लेके आओ सामने, क्यों छुपे हो, दोनों फरार क्यों हो, आओ सामने हमारे सामने। तो उनकी भाई अभी नहीं लेके आया सामने, कोई भी नहीं लेके आया, सब मिले भगत है, सब तीनों खुद मिले हुए पूरे मिले। हाँ ये मेरी सिस्टर है ज्योति, और यह इसका बॉयफ्रेंड है, कहते शिवराज देवड़ा बोल के, इसके पिताजी का नाम पापालाल देवड़ा है, ये यहाँ रामाराम में आगरा मिठाई बोल के दुकान है, शाहपुर में इनका संतोष ढाबा सब कुछ है, इन्हें मेरी सिस्टर को इसको 4 ईयर से परेशान कर रहा, फिर परेशान करके लास्ट में उसको उसके जाल में फंसा लिया, फंसा के बोल रहा मैं तेरे से प्यार करते हूँ, ऐसा तुम आए तो मैं मर जाते हूँ, ऐसा वैसा बोल के इनके इनके फैमिली को पूरे को बर्बाद कर दिया। ये मेरी सिस्टर का बेटा है, इन्हें छोटा बच्चा है, इसकी क्या गलती है बताओ, उन्होंने ऐसा करके अभी उसको लेके गया पूरे पीएस में, हम जा रहे तो हमारी बात नहीं सुन रहे, हम कुछ भी बोल रहे तो पीएस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, इन्होंने हमारे को खुला बोल रहा तुम क्या कर लेते कर लो, क्या कर लेते कर लो, मैं पूरा हैंडल कर लिया बोल के बोल रहा। इनकी शादी हुई, इनके ये लड़के की शादी हुई है, इसकी एक बच्ची एक वाइफ है, उसके 3 बच्चे है, उसके 3 बच्चे, इसके 2 भाया और है, वो 2 भाया भी इनके सपोर्ट में ही है, वो कोई भी आए नहीं हमारे से कुछ बात करे नहीं, मेरी सिस्टर इनके घर पे इनके दुकान पे जाती आई, बोली अभी ये तुम ऐसा काम आ गई क्यों करे, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, तुम जान दो तुम आओ, मेरी बहन कहाँ रहता बोले तो मेरे सिस्टर को दुकान में से धक्का दे रहे, बोल रहे तू क्या करती कर ले, मैं बात करते रहती और करती हूँ, तू क्या करती कर ले, ज्यादा हो तो बूटा पीएस चले जा, हम लोग वहां देख लेते बोल के इन्हों वहां से ओपन धमकी दे रहा सबको। आपका जो बैग क्या बोल रहे, सामान क्या बोल रहे, सीसीटीवी में है उनके? हाँ वो बैग में सीसीटीवी में बैग ले जाते हुए और उसको देते हुए पूरा सीसीटीवी में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रिकॉर्ड है, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लेके आया, गाड़ी पे रखा, फिर गाड़ी से गया बोल के पूरा उसमें A to Z रिकॉर्डिंग के साथ है हमारे पास, और हम पीएस में भी कंप्लेंट करे, पीएस में हमारा सुन रहे नहीं कर, हम और गोल्ड के लिए भी कंप्लेंट करे, साहब हमारा ऐसा गोल्ड चले गया आप कुछ करो बोल तो, सीआई साहब भी कुछ भी नहीं सुन रहे, एसआई साहब भी नहीं सुन रहे कुछ भी, सीआई साहब को साहब एक कंप्लेंट के रिसीप्ट दो बोलते ले दू को बोल के बोल रहे हैं, उन्हें 1% रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उन्हें पूरे इनके फेवर में है, अभी तक कंप्लेंट नहीं किया आपको, कोई कॉपी भी नहीं दी, कॉपी भी नहीं दी है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी पूछ रहे तो भी नहीं दे रहे उन लोग, पुलिस वाले उनको सपोर्ट कर रहे, पुलिस वाले उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको वहाँ पीएस में आई तो उसको वहाँ सखी सेंटर भी लेके गए, वहाँ लेके गए, मैं उस टाइम जाके आया, मैं बोला क्या हुआ जान दो हो गया, सो चल मेरे साथ गुजर चल बोलते, मैं तेरे साथ नहीं आती ना, मैं वहाँ पे जाती मैं उसका नहीं जाती उसका नहीं रहती बोल के बोल रही, फिर इन्होंने वहाँ सखी सेंटर को फोन कर रहा, इन्होंने ये बच्चा शिवराज बोलते ये बच्चा है, सो वहाँ सखी सेंटर को फोन करके बोल रहा मैडम मेरा मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसा,
खेलते बोल रहा हूँ कि मैडम को बोल रहा, मैडम मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, मेरी एक वाइफ है, उसको 3 बच्चे है, फिर भी मैं इसको अफेयर करा, मैं इससे प्यार कर दू, इसको भी रखता हूँ, उसको भी रखता हूँ, दोनों को रख लेता हूँ, मेरी दुकान है आगरा मिठाई बोल के, मेरा संतोष बाबा है शाहपुर में सुचित्रा में, और मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाते हूँ, ऐसा 60,000-70,000 पूरे कमाते हूँ, मेरा जाति का घर है, मैं रख लेता हूँ, दोनों को रखने के लिए मैं रेडी हूँ बोल के यूनिवर्सिटी सेंटर में मैडम को फोन करके बोल रहा, मैडम आप अभी मेरे को आओ बोले तो मैं 1 मिनट में आके अभी के अभी लेके जाता हूँ, मेरे को उनके परिवार से उनसे कोई भी मतलब नहीं है बोल के इन्हें बोल रहा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही, हम यही चाह रहे हैं कि अभी ने जो काम करा उसको वही काम पे रखना, उसको इसके साथ ही शादी करके भी जाना, उसको लेके जाओ बोल रहा तुझ, अभी मैं उसको पूरा समझा के उसको बोल रहा तो अभी चले जा, 1 महीने के बाद मैं तेरे को वापस ला लेता हूँ, या 1 महीने के बाद तू उनको बोल मैं अलग रहती, मैं अकेली रहती बोल के बोलो, मैं तेरे को अलग कमरे में रखती हूँ, 1 महीने के बाद तेरे घर पे लेके जाता हूँ, ऐसा वैसा उसको बोल रहा, उसको पूरा गेम डाल रहा हूँ, ऐसा बोल बोल लेके देने को रेडी हो रहा हूँ। उन लोगों बोल रहे हम लेके नहीं गए, कौन सा बैग कहाँ सा बैग बोल रहे, हमको वीडियो बताए तो चुपचाप हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे, पहले बोल रहे कौन सा बैग है नहीं मालूम हमारे को बैग, उसके बाद बैग बताए तो उन्होंने बोल रहा हाँ बैग लेके गए, क्या कर लेता बोल रहा हूँ, हमारे पास सब कुछ है, अभी पुलिस वालों को बताया, सीसीटीवी पुलिस वालों को, सीआई साहब को बताया है, एसआई साहब को बताया है, एसआई साहब सीआई साहब कोई भी एक्शन लेने को रेडी नहीं है, उन लोग एक ही बोल रहे क्योंकि उन्होंने माइनर है चली गई क्या कर लेते, क्या होता छोड़ दो तुम ले लो लाइट ले लो तुम सेटलमेंट कर लो बोल रहे, पुलिस स्टेशन लगता है ये जगदीर गुट्टा पीएसओ सर, एसआई का नाम क्या है? एसआई का नाम है मानिक रेड्डी, एसआई साहब को बोले साहब एक बार तो भी उसको बुलाओ बोलते हो, एसआई साहब बोल रहे बुलाने को नहीं होता, उसका गलती नहीं है कुछ भी, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, तो उन्होंने नहीं करे तो उन्होंने कैसा लेके जाता बैग, उन्होंने लेके जा रहा शक्के आधार पे भी एसआई साहब नहीं बुला रहे उसको, हमारे को बार बार फोन करके पीएस को बुला रहे, पीएस को आओ आ सभी सेंटर पे जाओ यहाँ जाओ, हमारे को प्यार है उनको एक बार भी पीएस में नहीं बुलाए, आपको क्यों बुला रहे बार बार, वो उन लोगों का पूरा सेट करो सा बोल के उन्होंने हमारे भी परेशान कर रहे, यही बोल रहे तुम्हारे घर पे लेके जाओ, उन्होंने हम एक बार घर पे लाए तो उन्होंने बोलता फिर सबको कि उन लोगों ने रख लिया हमारा नाम बदनाम करने के लिए, ऐसा उन लोगों कर रहे बोल के उन्होंने प्लान डाल के उनको साथ मिलके ऐसा कर रहा, और फिर ऐसा भी हमारे 1% भी नहीं सुन रहे, उन्होंने उनकी बात सुन रहे। मेरा नाम राम किशोर है, मेरी पत्नी 26 तारीख को शाम को किसी दूसरे को दिया, उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरे घर उसके साथ दोपहर में भाग गई और पुलिस में कंप्लेंट भी किया, पुलिस वाले उसको कुछ भी नहीं कर रहा, उसका नाम शिवराज है, बैग में क्या था? बैग में गोल्ड था, कितना था? 18 तोला और कैश? 22,000 रुपए और कुछ? और कुछ भी नहीं। पुलिस स्टेशन गए थे आप? पुलिस वाले कंप्लेंट किया था, क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा वो बालिग है वो बालिग है ना, आपकी वाइफ है तो आप कंप्लेंट दे सकते हो, वो बोले उनकी मर्जी और कहीं भी जा सकती है बालिग है, कहीं पर किया नहीं आप निश्चिंत दे सकते हो, आप मिसिंग कंप्लेंट किया था, घर का सामान लेके गया आपका सामान लेके गया गोल्ड, गोल्ड लेके गया तो गोल्ड केस में बुक कर सकते हो, वो बोला गोल्ड आपने शादी में दिया उसको, वो उसको उसका हो गया गिफ्ट हो गया, वो कहीं किसी को दे सकती है, आपके कोई रिलेटिव नहीं लेके आए? जान पहचान के है, जान पहचान के रिलेटिव है, आपकी वाइफ की फोटो? ये मेरी वाइफ है, ये लड़का भगा के लेके गया, उसका नाम शिवराज देवड़ा है, शिवराज देवड़ा, उसका पापा का नाम पापालाल देवड़ा है, ये पास में रहते हैं, उनका मिठाई का दुकान है आगरा स्वीट हाउस, कहाँ पर? रामाराव रोड पर, एरिया कौन सा था? शाहपुर।